नमस्कार दोस्तों, क्यों लॉकहीड मार्टिन कंपनी इंडिया को अपने F-16 का अपग्रेडेड वर्जन F-21 बेचने में इतना ज़्यादा रुचि दिखा रही है? क्या सुपर सुकोई अपग्रेड के बाद सुकोई एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बन जाएगा? क्या इंडिया को अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए SU-57 एक स्क्वाड्रन में खरीदना चाहिए? और F-16 का 2 इंजन वाला वेरियंट हम लॉकहीड मार्टिन को बनवाने के लिए बोल सकते हैं? तो यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी F-35 जैसा मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनाती है और अभी इंडिया को F-16 का अपग्रेडेड वेरिएंट F-21 बेचने में इतनी ज़्यादा रुचि क्यों दिखा रही है? तो दोस्तों, इसके पीछे जो रीज़न है वो साफ है, क्योंकि अभी जो F-16 फाइटर जेट है वो पुराना फाइटर जेट हो चुका है। और अगर इंडिया इसे खरीद लेता है F-16 को MMRCA 2.0 में, तो सीधी से एक ही बात होगी कि इंडिया जैसा एक ताकतवर पावर भी अगर F-16 को खरीदता है तो ये संदेश जाएगा कि F-16 एक अच्छा फाइटर जेट है। इसी वजह से जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है वो अपने F-16 को किसी भी हालत में इंडिया को बेचना चाहती है। इसके लिए उसने ब्रांडिंग भी की और यहाँ तक के फाइटर जेट का नेम चेंज करके F-21 भी रख दिया। उसके बाद ऐसा भरोसा भी दे दिया कि ये फाइटर जेट किसी दूसरे कंट्री को भारत को छोड़ के नहीं दिया जाएगा। F-35 के कुछ मॉडर्न एवियोनिक्स और सिस्टम भी इसमें इनपुट की गए और ऐसा बताया गया कि इंडिया को ये सिर्फ इंडिया के लिए ही बनाया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ तक की भी कह दिया गया कि दुनिया में अभी जितने भी F-16 फ्लाई कर रहे हैं उनके सारे स्पेयर्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो है सीधे से लॉकहीड मार्टिन कंपनी को इससे 2 बेनिफिट हो जाएगी अगर इंडिया F-16 खरीदता है। तो सबसे पहले जो F-16 अभी फ्लाई कर रहे हैं लॉकहीड मार्टिन के, उनके लिए एक स्पेयर बनाने के लिए एक भरोसेमंद और एक सस्ता साझेदार मिल जाएगा। भारत भी F-16 को ऑपरेट करेगा या F-21 को ऑपरेट करेगा, जिससे बाकी जो देश है उनको भी F-16 को खरीदने में रुचि आएगी, जिसके बाद बाकी देश दूसरे कंट्रीज के जैसे कि साप का ग्रिपिन ना खरीद के अमेरिका का F-16 ही खरीदेंगे एडवांस मान के F-16 को। तो इससे F-16 की सेल भी बढ़ेगी और जो एक्स्ट्रा लोड आता है F-16 के स्पेयर पार्ट का वो भी इंडिया संभाल लेगा, जिसके बाद लॉकहीड मार्टिन कंपनी बड़े नंबर में F-35 बना सकती है और F-35 को बेच भी सकती है। और आपको पता ही होगा कि अभी जो F-35 है उसे भी कुछ सालों के बाद अमेरिका ऐसे ही देना चालू कर देगा किसी भी देश को जैसे वो F-16 को देता था। तो जिस वजह से अभी अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन का कंपनी का एक फ्यूचर प्लान होने जा रहा है और इसी के वजह से F-16 को इतना बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। इससे तो दोहरे फायदे होने ही वाले हैं अमेरिका को, और इंडिया भी अगर देखे तो इंडिया का भी इसमें कुछ बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इतना बड़ा नंबर में पैसे लगा रहे हैं किसी फाइटर जेट को लेके, तो हमें अपनी फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मजबूत करना है, ना कि इकोनॉमी तो हम ऐसे भी मजबूत कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, इसी वजह से हमें जो फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि देखा जाए तो F-16 जो फाइटर जेट है उतनी कैपेबिलिटी नहीं लेके आता जितनी बाकी MMRCA के फाइटर जेट लेके आते हैं। यहाँ तक कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो हालांकि कम है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज भी कम है। एक अच्छा इंजन लग जाने के बाद भी ये फाइटर जेट एक सिंगल इंजन ही फाइटर जेट रहेगा और ये इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को, इंडिया की रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर पाएगा, जिसके बाद सीधे से इसका MMRCA में रिजेक्शन होना पक्का है। लेकिन सिर्फ अपने फ्यूचर प्लान के लिए इंडिया को अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ऐसे खराब फाइटर जेट को नहीं बेच सकती। अगर इंडिया की जगह पाकिस्तान होता तो वो इसे इजीली खरीद लेता, लेकिन इंडिया को इतना हाई परफॉर्मेंस होके भी ये आखिर SU-30 और जो MiG-29 है उनकी कैपेबिलिटीज़ को मैच नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो सीधे से अगर ये उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी मैच नहीं कर पाता तो MMRCA में सिलेक्ट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है सुपर सुकोई को लेके। सुपर सुकोई अपग्रेड के बाद क्या Sukhoi-30M के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बन जाएगा? देखिए दोस्तों, ये आपको कहाँ से लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक फाइटर जेट को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए उसकी डिज़ाइन फेज से लेके उसकी डिज़ाइन ही यानी चेंज करनी पड़ेगी। देखा जाए तो सुपर सुकोई अपग्रेड के बाद सुकोई एक तरीके से SU-35 की कैपेबिलिटीज़ का हो जाएगा, लेकिन अगर हमें इसे SU-57 की कैपेबिलिटीज़ पर लाना है
पूरी तरह से सुकोई को चेंज करना पड़ेगा, इसकी एयर फ्रेम चेंज करनी पड़ेगी, इसमें नया इंजन और सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। यानी पूरी तरह से आप कह सकते हो कि हमें नया फाइटर जेट ही बनाना पड़ेगा, जिस वजह से आप सुपर सुकोई को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं बना सकते। हालांकि कुछ जैमिंग पॉड्स से रडार को जैमिंग करके इसे स्टेल्थी बनाया जा सकता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या इंडिया को थोड़े नंबर में SU-57 की स्क्वाड्रन खरीदनी चाहिए? देखिए दोस्तों, SU-57 एक बहुत ही अच्छा फाइटर जेट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम जो है इसके इंजन सेक्शन को लेके है। और अभी जो रशिया है वो इसके लिए नया इंजन भी डेवलप कर रहा है जो कि 2025 तक आ जाएगा, जिसके बाद उसमें ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। अगर SU-57 एक से दो स्क्वाड्रन में खरीदा जाता है तो भी ये बहुत महंगा एयरक्राफ्ट होगा, उसी के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस भी हाई होगी। वैसे भी रशियन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस हाई ही होती है, और देखा जाए तो SU-57 अपनी कैपेबिलिटीज़ को 100% नहीं शो कर पाया है, जिस वजह से भी इसके ऊपर सवाल उठते रहे हैं। तो पूरी तरह से देखा जाए तो ये इतना भी खराब एयरक्राफ्ट नहीं है, एटलीस्ट चाइनीज J-20 से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसी वजह से आप कह सकते हो कि इंडिया इसे एक से दो स्क्वाड्रन में ले सकती है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिस वजह से ऐसा उम्मीद तो नहीं दिख रही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया F-16 का ट्विन इंजन वेरिएंट लॉकेट मार्टिन कंपनी को बनाने के लिए क्यों नहीं कहता, या US को बनाने के लिए क्यों नहीं कहता? तो दोस्तों देखिए, लॉकेट मार्टिन कंपनी अभी अपने F-35 प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है, और इंडिया के लिए वो एक ट्विन इंजन वेरिएंट वाला F-16 बना तो सकती है, ऐसी कैपेबिलिटीज़ तो है, लेकिन देखे तो उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होगा, और एक तरीके से ट्विन इंजन वाला F-16 बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और F-15 से ज़्यादा भी थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाले इंजन, और एक तरीके से हमें फिर F-15 या अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखे तो इसे डिज़ाइन और डेवलप होने में ही 2025 तक के समय लग जाएगा, और तब तक के तो हमें हमारे जो MMRCA डील के फाइटर जेट है उनका प्रोडक्शन भी बाकी का चालू हो जाएगा, यहाँ तक कि कई फाइटर जेट डिलीवर भी हो चुके होंगे। तो इस वजह से F-16 का ट्विन इंजन वेरिएंट जो है वो नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। उसी के साथ साथ इसकी हाई मेंटेनेंस, और अगर वही इंजन यूज़ करता है जो कि F-16 करता है इंजन, तो जो कि दो के नंबर में होगा, तो सीधे से एक इंजन 125 kN की थ्रस्ट डेवलप करता है जो कि एकदम बराबर होगा SU-30 MKI के इंजन से। तो सीधे से हमें एक MMRCA में मीडियम वेट फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट होगी, और ऐसे में देखा जाए तो इसी वजह से इन्होंने अपना F-16, अपने F-18 और अपने हैवी वेट कैटेगरी के F-15 भी हमें ऑफर किए हैं। इंडिया के लिए ऐसा फाइटर जेट बनाना एक तरीके से अमेरिका की भूल होगी, और इंडिया भी इतना एक्सपेंसिव फाइटर जेट नहीं खरीदने वाला, क्योंकि इंडिया की रिक्वायरमेंट एक मीडियम वेट फाइटर की है, और इस कैटेगरी में MiG-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट, डजोल्ट राफेल, यूरो फाइटर टाइफून ही आते हैं, और बाकी जो कंटेंडर है वो तो बिलो मिडल वेट कैटेगरी या तो हैवी वेट कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आप ले सकते हो SU-35, और दूसरा जो फाइटर जेट है वो है F-15, और जो बिलो मीडियम वेट फाइटर जेट आते हैं वो F-16 और ग्रिपिन आते हैं। तो कुछ का कहना होगा कि इजिप्ट ने डजोल्ट राफेल को छोड़ के जो SU-35 है वो खरीद दिया। देखिए दोस्तों, डजोल्ट राफेल एक बहुत ही अच्छा फाइटर जेट है, हमारे पास पहले ही एक हैवी वेट एयर सुपेरियरिटी के लिए फाइटर जेट है Sukhoi-30 MKI, तो हमें डजोल्ट राफेल जैसा फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ना कि SU-30 MKI जैसे हैवी वेट और हाई मेंटेनेंस फाइटर जेट की। इसी वजह से हम MMRCA टेंडर में एक मीडियम वेट फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट किया है, क्योंकि ना ही हमें एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जिसकी लो मेंटेनेंस हो और जिसे ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो, लेकिन इसी के साथ साथ हमें एक ऐसा फाइटर जेट भी चाहिए जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देता हो। F-16 एक गरीब देश के लिए एक अच्छा फाइटर जेट हो सकता है, लेकिन इंडिया के जो रोल है उस रोल को वो निभा नहीं पाएगा। अभी तेजस भी डेवलप हो रहा है, तेजस का Mark 2 भी डेवलप हो रहा है, और उसके बाद हम खुद का भी एक अच्छा फाइटर जेट बना रहे AMCA। इस हिसाब से देखिए तो कोई ज़रूरत नहीं है F-16 जैसे फाइटर जेट की या उसके ट्विन इंजन वेरिएंट की। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ जवाब। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।